गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता सावित्री माई, इन सबको अभिवादन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास जी आठवले साहब, आदरणीय सीमाताई, आदरणीय विचार मंच और यहाँ पे आए हुए मेरे भाई बहनों को जय भीम करती हूँ। जय भीम। आज दिल्ली में संपन्न हो रहा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये अधिवेशन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं अपने नेता आदरणीय रामदास जी आठवले साहब और आपको सबको बधाई देती हूँ। और आठवले साहब के बारे में बस इतना ही कहती हूँ कि आठवले साहब दिल कभी किसी का तोड़ते नहीं, आठवले साहब दिल कभी किसी का तोड़ते नहीं और जो टकराते हैं मैदान में उसे कभी छोड़ते नहीं। इस अधिवेशन में हमारी पार्टी मजबूत और ताकतवर कैसे बनेगी, इस पर पार्टी का नेतृत्व और वरिष्ठ नेता जरूर कुछ सुझाव रखेंगे। एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते से मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। भारतीय समाज व्यवस्था ने दो समूहों को हमेशा अपमानित किया है, वह है दलित समाज और महिला वर्ग। इस महिला वर्ग में हर एक जाति धर्म की महिला आती है, लेकिन हम और हमारी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाली पार्टी है। बाबा साहब ने हमेशा महिलाओं का आदर किया है, उनको सम्मान दिया है। अगर हम बाबा साहब के विचारधारा लेके चलते हैं, स्त्री पुरुष समानता पर विश्वास रखते हैं, तो पार्टी में महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए। केवल महिला आघाड़ी के जरिए नेता उनकी आरती उतारने के लिए और फूल माला चढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी मजबूत बनानी है तो महिलाओं को पार्टी के प्रमुख पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए और पार्टी की जो निर्णय प्रक्रिया में उनको शामिल करना चाहिए। मैं पार्टी में देखती हूँ कई साल एक पद पर जो कार्यकर्ता बैठा है वो हटता ही नहीं, इसलिए उनका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। पार्टी में काम करने वाले जो लड़ाऊ और निष्ठावान युवा कार्यकर्ता है उन्हें भी मौका देना चाहिए। मैं अपने नेताओं से और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ा समूह है उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और वह है विद्यार्थी समूह। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज की प्रगति स्वावलंबन के लिए शिक्षा को पढ़ाई को बहुत महत्व दिया है, लेकिन आज जो हमारे छात्र है उनको पढ़ाई में समस्या आती है। इस समस्या पर हमें लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। और अंत में मैं इतना कहती हूँ, कुछ काम ऐसा करो कि दुनिया भी तुम्हारी कदर करे, कुछ काम ऐसा करो कि दुनिया भी तुम्हारी कदर करे, बनो तो बाबा साहब जैसा कि दुनिया भी झुककर सलाम करे। आकाश में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, आकाश में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, और देश में नेता बहुत है लेकिन मेरे भीम जैसा कोई नहीं। रोशनी की तलाश करती हूँ, जिंदगी की तलाश करती हूँ और नेताओं के भीड़ में मैं भीम जी की तलाश करती हूँ। जीती हूँ बाबा साहब का नाम लेकर, मरने के बाद क्या होगा? जीती हूँ बाबा साहब का नाम लेकर, मरने के बाद क्या होगा? कफन उठाकर देखना, होठों पर जय भीम का इनाम होगा। जय भीम, जय भारत।